डीएनए में अगले विशेषण की शुरुआत करने से पहले मैं आपको अमेरिका की कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड का एक कथन सुनाना चाहता हूं। उनका कहना था, आपको कभी भी इस बात पर शक नहीं करना चाहिए कि विचारों का एक छोटा समूह या लोगों का एक छोटा सा समूह इस दुनिया को बदल सकता है या नहीं, क्योंकि यही एक चीज है जिसकी बदौलत आसानी से बदलाव लाया जा सकता है। आपको इस कथन के बारे में जानकारी देना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारा अगला विश्लेषण सामाजिक बदलाव की दिशा में एक व्यक्ति द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम पर आधारित है। यह खबर देश के उस हिस्से से संबंधित है जहां आज का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस है। मैं लद्दाख की बात कर रहा हूं जहां भारी बर्फबारी के बीच आम लोगों का जीवन थम सा गया है। हालांकि हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो बर्फबारी से संबंधित बिल्कुल नहीं है, बल्कि लद्दाख की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई है जिसे एक व्यक्ति ने अपनी सोच की बदौलत पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप फुंगसुक वांगडू को जानते हैं, तो ये नाम सुनते ही आपको हिंदी फिल्म थ्री इडियट्स का किरदार याद आ गया होगा, जो लद्दाख में एक स्कूल चलाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सोनम वांगचुक को जानते हैं, तो आप में से ज्यादातर दर्शक शायद सोच में पड़ जाएंगे। आपको ये जानकर काफी खुशी होगी कि आज की तारीख में 50 साल के सोनम वांगचुक लद्दाख के बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की साक्षरता दर 72.98% है। देश के अलग अलग राज्यों में साक्षरता की बात करें तो बिहार में साक्षरता दर करीब 62%, उत्तर प्रदेश में करीब 68%, राजस्थान में 66%, झारखंड में करीब 68% और मध्य प्रदेश में करीब 69% है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि लद्दाख में साक्षरता दर 77.20% है। एक बार फिर से नोट कीजिए, 77.20%, जो इन पांचों राज्यों और देश के औसत के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि देश का वो हिस्सा जहां जरूरत की चीजें भी इतनी मुश्किल से उपलब्ध हो पाती हैं, वहां शिक्षा के क्षेत्र में आई क्रांति की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लद्दाख में शिक्षा के स्तर को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए सोनम वांगचुक ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। ऐसा क्यों है, इसे गहराई से समझने के लिए आपको सोनम वांगचुक का बायोडाटा ध्यान से पढ़ना चाहिए। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के एक गांव में हुआ था। उस वक्त इस गांव में सिर्फ 5 परिवार रहते थे। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती 7 वर्ष अपनी माँ के साथ बिताए और उन्हीं से शिक्षा की शुरुआती ABCD सीखी। उनके पिता एक नेता थे जो बाद में राज्य सरकार में मंत्री भी बने, और अगर सोनम वांगचुक चाहते तो राजनीति का रास्ता चुनकर सुख और चैन की जिंदगी व्यतीत कर सकते थे, अपने पिता की तरह नेता बन सकते थे या शायद मंत्री भी बन जाते, लेकिन उन्होंने समाज की मदद करने का फैसला किया। छोटी सी उम्र में ही सोनम वांगचुक ने यह महसूस कर लिया था कि स्थानीय भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी स्कूल लाइफ में लद्दाख में इस्तेमाल होने वाली भाषा की पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी। बाद में जब उन्होंने लद्दाख में शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो उन्हें यह एहसास हुआ कि बच्चों को सवालों के जवाब पता तो होते हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी भाषा की वजह से आती है। इसके बाद उन्होंने स्थानीय भाषा में ही बच्चों की शिक्षा के लिए एक मुहिम चलाई। वर्ष 1988 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद सोनम वांगचुक ने कुछ स्थानीय निवासियों और अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर एक संस्था शुरू की, यानी सर्व शिक्षा अभियान से 12 साल पहले ही सोनम वांगचुक का अभियान शुरू हो चुका था। और आपको बता दूं कि देश में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। सोनम वांगचुक ने जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ मिलकर लद्दाख के स्कूलों में पाठ्यक्रम को वहां की स्थानीय भाषा में कन्वर्ट करने का काम किया, यानी उसका ट्रांसलेशन किया। वर्ष 1994 में उन्होंने कुछ छात्रों को इकट्ठा करके 1000 युवाओं का एक संगठन बनाया, और फिर उनकी मदद से उन्होंने एक ऐसा स्कूल बनाया जो छात्रों द्वारा ही चलाया जाता है और पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। किसी जमाने में लद्दाख में जब 10वीं कक्षा की परीक्षा के नतीजे आते थे तो सिर्फ 5% बच्चे ही पास होते थे, लेकिन सरकार, ग्रामीण लोगों और सिविल सोसाइटी की मदद से सोनम वांगचुक ने
जो मुहिम चलाई थी उसका असर यह हुआ कि 10वीं कक्षा की परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या 5% से बढ़कर 75% हो गई। यानी अगर समाज में बदलाव लाना है तो एक छोटी सी शिक्षा भी कामयाब हो सकती है और छोटी सी कोशिश भी कामयाब हो सकती है। आज की तारीख में सोनम वांगचुक को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर मेरी माने तो वास्तव में असल जिंदगी के सोनम वांगचुक फिल्मी पर्दे के फुंसुक वांगड़ू से बड़े हीरो हैं। डीएनए में फिल्मी फुंसुक वांगड़ू नहीं, असली सोनम वांगचुक के दर्शन। परेशान हूं, बहुत बार लोग मुझसे यही पूछते रहते हैं, आपका स्कूल 3 इडियट स्कूल है, आप फुंसुक वांगडू हैं। मैं कहना चाहता हूं, जी नहीं, मैं फुंसुक वांगडू नहीं, मैं सोनम वांगचुक हूं और मैं ख्वाबों में, फिल्मों में नहीं, जीवन में कुछ काम करता हूं। और हो सके तो ऐसे समाधान भारत से बाहर भेजकर भारत का कुछ नाम भी बनाएं। वो सोनम वांगचुक जिसने लद्दाख के बच्चों का जीवन बदल दिया। फिल्मों के जीवन में नहीं रहना चाहता, इस देश को फिल्मों की जरूरत नहीं है। हम अपने इस देश में बॉलीवुड और क्रिकेट को कुछ अधिक ही महत्व देते हैं। हम अपने जीत भी फिल्मों में जीतना चाहते हैं, हम अपने आविष्कार भी फिल्मों में करना चाहते हैं, जबकि वास्तविक जीवन में जरूरत है इनकी। सामाजिक बदलाव के एक हीरो से देश का परिचय कराना जरूरी है। मैंने कभी अपने स्कूल को अपनी शिक्षा की राह में बाधा नहीं बनने दिया। अमेरिका के मशहूर लेखक मार्क ट्वेन के इस विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों को याद करते हैं? शायद आप करते होंगे, लेकिन शायद क्लासरूम और शिक्षकों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि आप हर रोज ये सोचते थे कि अगले दिन स्कूल बंद होगा ताकि आप घर पर रह सके। लेकिन लद्दाख का एक स्कूल ऐसा भी है जहां सबसे बड़ी सजा यह है कि आपको 2 हफ्तों के लिए घर भेज दिया जाए। यह एक ऐसा स्कूल है जहां छात्र चीजों को पढ़ के नहीं बल्कि करके सीखते हैं, नए आविष्कारों पर काम करते हैं। यह वो स्कूल है जिसे खुद बच्चे चलाते हैं, जहां वो संवाद करना सीखते हैं, और इसके लिए उनका खुद का अपना कैंपस अखबार और रेडियो है। विज्ञान के बारे में सीखते हैं और खुद बिल्डिंग का डिजाइन बनाना सीखते हैं। एक ऐसा स्कूल जहां के बच्चे सौर ऊर्जा से गर्म रहने वाली इमारत बनाते हैं, जो ठंड के दिनों में -15 डिग्री सेल्सियस में भी भीतर से +15 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। और लद्दाख के बच्चों की दिशा और दशा बदलने वाले व्यक्ति का नाम सोनम वांगचुक है, जो फिल्मी पर्दे का नहीं बल्कि असल जिंदगी का नायक है। Hi, I'm Sonam Wangchuk from Ladakh, a remote mountain region in the Indian Himalayas. 25 years ago, when I was finishing my own engineering education, I saw that schools were a pain for everyone. But for mountain children, it was doubly painful and irrelevant. Children who spoke Ladakhi or Tibetan at home were made to sit all day memorizing in alien languages like Urdu or English. F for fan, S for ship, T for train. बस यही वो वजह थी जिसने असल जिंदगी के सोनम वांगचुक को सामाजिक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। लद्दाख में एक ऐसा दौर भी था जब वहां के 95% बच्चे 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर सोनम वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने की ठान ली। Together with like-minded friends, we launched SECMOL, the Students' Educational and Cultural Movement of Ladakh, and said enough is enough. Working with the government, we rewrote many textbooks, retrained the teachers, and organized the villagers. And the results started changing too. लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बच्चे परीक्षा में फेल हो गए, उनका ख्याल नहीं रखा गया। उनके लिए एक दूसरे स्कूल की व्यवस्था की गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि तबांग नाम का एक छात्र लद्दाख से निकला एक मशहूर पत्रकार बना।
जो बाद में लद्दाख हिल काउंसिल में शिक्षा मंत्री भी बने, जबकि ये वही छात्र था जिसने पांचवी बार दसवीं की परीक्षा फेल की थी। दसवीं की परीक्षा में चार बार फेल होने वाला स्टैनजीन नाम का लद्दाखी छात्र एक फिल्म मेकर बना। तीन बार दसवीं की परीक्षा में फेल होने वाली एक छात्रा भारत की मशहूर उद्यमी बनी। और ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि सोनम वांगचुक ने छात्रों को किताबों से ज्यादा प्रयोग पर ध्यान देने को कहा। वांगचुक वैकल्पिक विश्वविद्यालय पर काम कर चुके हैं, जिसमें बच्चे हाथ से काम करके खुद ही नए नए हुनर सीख रहे हैं। उनके वैकल्पिक विश्वविद्यालय और उनकी फाउंडेशन को पूरी तरह से सोलर पावर से रोशन किया हुआ है। यहाँ तक कि टीवी, कंप्यूटर और तमाम दूसरे उपकरण भी सोलर पावर से ही चलते हैं। वांगचुक ऐसे बच्चों के सपनों को पूरा कर रहे हैं जो प्रतिभावान हैं और जिन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। आज की तारीख में लद्दाख से निकले कई ऐसे छात्र हैं जो वैज्ञानिक बन चुके हैं, कोई बड़ा कारोबारी है तो कई ऐसे भी हैं जो बड़े ओहदों पर पहुंच चुके हैं। सोनम वांगचुक कई समस्याओं के बावजूद लोगों की भलाई के लिए और शिक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं और अब उनका लक्ष्य आधुनिक शिक्षा का मॉडल रखने का है ताकि छात्रों का भविष्य हाईटेक हो सके। Together, let's start the next learning revolution, where education is not limited to just the 3 R's, all too much to do with the head alone, where skills of the hands and kindness of the heart are given equal importance. Together, we can change the face of higher education forever, not just for Ladakh, but for the whole world. सिर्फ शिक्षा ही नहीं, पीने के पानी और खेती के लिए भी सोनम वांगचुक ने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर अभियान चलाया। लद्दाख में खेती और वृक्षारोपण के लिए वांगचुक ने जो तरीका अपनाया, उसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा। This solution that we are working on, the ice stupa artificial glaciers, is about freezing the water that goes unused in winter into cones of ice. Because of this geometric shape, it doesn't melt till late spring, you know, May, June. Now that's the time when people are dying for every drop of water. Imagine that the bucket there is the source of water. So we take a pipe upslope, put it in the stream or the lake, bury it 6 feet under the ground, and the pipe takes water downslope to the village or the desert where we want to green or plant trees. Because of the gravity, pressure builds up in the pipe. Then water comes out gushing like this. Now this sprinkling water, when it mixes with -20 air, it falls down and freezes. Over weeks, it becomes a huge mountain of ice. We started piloting the ice stupa in real life application. People of the village came and volunteered to plant 5,000 trees, which were supported in the lean months by the moisture from the ice stupa. सोनम वांगचुक के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अगर दिल में कुछ कर गुजरने की इच्छा है, अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम आपको खुद उठाना होगा। सोनम वांगचुक, I contribute my Rolex award as a seed for this cause. ब्यूरो रिपोर्ट, Z मीडिया।